We try the chole batsure. Oh my gosh, I love this dish. It's coming with like two big pieces of bread and it's gonna have a side of the chana. I love this. That is so good. It's so good. 10 साल से समोसा 5 रुपए का वहां पे. इधर हो तो मैं ये पूरा थाल खा रहा हूँ अकेला. पता किधर का समोसा हो ये पता किधर है? किधर है ये? हिंदुस्तान में. पूरा इंडियन का भी खाना काफी अच्छा है, जो स्पेशली हैदराबाद की बिरयानी वहाँ की. और वहाँ पे इस कम के एक निहारी भी मिलती है, वो कोई बकरा निहारी, कोई पता नहीं कोई ऐसी निहारी मिलती है. तो अपने के तो एक चीज है, मुझे तो यही लगता है कि इंडियन के ना काफी ओवररेटेड तो नहीं बोलूंगा पर उनकी पब्लिसिटी काफी अच्छी है. अच्छा, कुछ चीजें बहुत कॉमन है हमारी यहाँ, जैसा समोसे, ये गोलगप्पे, समोसे, कबाब, आलू टिक्की, वो हम उसको कबाब भी बोलते हैं, या सीख कबाब हो गए, लंबे वाले कबाब जो होते हैं. लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो इंडिया की ही स्पेशल है, वड़ा पाव, ढोसा पाव, भाजी, माल की थाली, इतनी ह्यूज थाली मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है, फर्स्ट टाइम देखा है. और ये देखिए, इससे बड़ी बड़ी थाली, इससे बड़ी भी होंगी, लेकिन मैंने ये इतनी फर्स्ट टाइम देखी है. और देखे खाने इतने मजे मजे के. आई डोंट नो इफ आई एम गोना प्रोनाउंस इट राइट. राजाक चोरी. इट्स लाइक ही डिस्क्राइब्ड इट एज लाइक ए बिग पानी पूरी, बट इट्स लाइक बिग एंड देन इट्स स्टफ्ड विद चटनीस. गाइस, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस. सो दिस इज द फन थिंग अबाउट बीइंग इन इंडिया गाइस, इज दैट वी आर गोना ट्राई लाइक सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट आरंट इन अमेरिका. इंडिया की आबादी ज्यादा है तो उनके रेस्टोरेंट जाते हैं वहां जाके, बाहर के मुल्क में भी कनाडा, यूएस आ रहे हैं, उनके इंडियन भरे हुए तो वहां रेस्टोरेंट भी उनके. तो मार्केटिंग ऑब्वियसली बात है उनकी ज्यादा होती है. चाहे ये कह रहे हैं आटा यहाँ पर 25 रुपए किलो है, इधर 150 रुपए किलो है. इंडिया में 25 रुपए किलो आटा मिल रहा है, क्या लेंगे इंडिया का आटा मिले तो? बिल्कुल लेंगे. अच्छा, खुश हो क्या यहाँ पर? क्या लेंगे लोग इंडिया से अगर आटा आए तो? इंशाल्लाह लेंगे, पेट ही भरना है. इधर वाले मुसलमान क्या हमें आजादी दे रहे हैं? ये हमसे गैर मुस्लिम अच्छे हैं जो चीजें सस्ती कर देते हैं. पाव भाजी, एग रोल और मोमोज, और साथ साथ जो डिफरेंट वो चटपटी सी चटनियाँ है ना, वो अब हम जो देसी हैं, चाहे वो इंडिया से हो पाकिस्तान से हो, हमें स्पाइसी बहुत पसंद होता है. चटनी खाते हैं, सैलेड मस्त होता है. एंड लुक एट दैट, लुक एट दिस ह्यूज इन्फ्लेटेड ब्रेड. ओह माय गॉश, बिग, इट्स लाइक अ बलून एंड वी गॉट टू ऑफ देम. लेट मी सी, टू नाइस. आ, दे आर हॉट. ओके, नाउ वी हैव द अचार एंड सम अनियंस एंड द चना. उनकी मार्केटिंग ज्यादा होती है जिनका ये कहना है. प्लेट बन जाता है कि इंडिया के खाने हमसे बेहतर है, इसी वजह से इंडिया के खाने बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा मशहूर है. आटा 25 रुपए केजी है, क्या आपने कभी यहाँ पर 25 रुपए आटा देखा? कभी भी नहीं देखा यहाँ पर 25 रुपए ज्यादा बेहतर हमारे पाकिस्तान से. अच्छा, आपको क्या लग रहा है? हमें भी यही लग रहा है कि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, बहुत पीछे हमारा पाकिस्तान ना इनसे. 10 साल से 5 रुपए का, 5 रुपए समोसा. सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम भी उसी तरह ही है. यहाँ पे वो कम हो गया लेकिन बाइंग रेट ज्यादा हो गया. Well, this is chole and then this is batura. I think I got that. Okay, let's open this up. Ooh, this is a fried Indian bread. Look at that. Hot. It's like a tent of hot, fresh, deep-fried bread. Oh, that smells so good. Oh, there's some seasoning inside of it too. Okay, so what we're gonna do is take a piece of the batura, dive it into the chole. Oh my gosh, I wonder how this tastes different than in America. I feel like the spices are like more punchy here. Oh my god. Oh, it's so rich and flavorful. So much better than America. You guys were telling me in the comments below, you're like, you need to come to India and try these real flavors. So much better. It's not as sweet. Like in America, I feel like they're putting a lot of sugar in there. But this one is not that sweet at all. Is that a potato? I think so. Yummy, guys. I have to get a bite. And then let's get some onion. I like raw onion, actually. It's a huge, big onion. I like it with the onion. Hey, that's that crisp flavor. And it's raw. This is some of that pickled achar.
You guys keep telling me, stop taking such a big bite of the achar. It's just a little one, but let's get a little bit. I'm gonna actually just take a little bit, dive it into chickpeas. Wow, the flavors are just completely different, guys. They're like very rich and like bold and not too sweet, which for me is great. Oh my gosh. Really, really good. Non-veg, kya hai? Aap mutton kha lo, aap beef kha lo, chicken, but same yaan. अब वेजिटेबल्स में जाओ, वहाँ पर पनीर है, दाल है, कढ़ी है, सब्जी है, फिर भुजिया है, चावल है, उसके बाद सब्जी के वो है, कोफ्ते है, चटनियाँ है, अचार है, सब्जी, पनीर बहुत आप मैं कि जितने मैंने अभी तक देखे हैं, अगर वो पापड़ भी तो थे, वेज और नॉन वेज दोनों चॉइस मेरे सामने आए तो मैं वेज वाली थाली पकड़ लूंगी, क्योंकि खाना इंजॉय करना ही मजे वाली बात है। आप मीट खा रहे हो, वेजिटेबल खा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। आप जो खा रहे हो इससे आपको कितना मजा आ रहा है ये मैटर करती है। समटाइम आप एक नॉन वेज खा रहे हो जो कि निहायत ही बदमजा, और आप साथ अगर मिसाले वाली भिंडी खा रहे हो तो आप नॉन वेज इवन खाते भी हो आप उस तरफ हाथ नहीं बढ़ाओ। सालन को दिल नहीं करता, अल्लाह की कसम से मैं चटनी से खाती हूँ, वो मुझे इतनी अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। हाँ। मैं कहती यार दो रोटियां खा लो, मतलब इतना अच्छा लगता है टमाटर की चटनी और साथ की हरी मिर्ची जो, और ये जो इनकी लहसुन और हरी मिर्ची की चटनी थी, ये मैं घर में गर्मियों में बहुत ज्यादा अपने खाने में यूज करती हूँ। इतनी यमी, इतना रिच फ्लेवर होता है और खाना आपको ऐसे हजम होता है, ऐसे आपको ओवर। अब देखिए कितना ज्यादा खाना था, साथ उन्हें पिकल रखे थे। पिकल मतलब आप जितना भी खाओगे आपका मन खराब नहीं होगा, आप अपनी थाली भी फिनिश करोगे और आपको हजम हो जाएगा। तो मेरा इस वीडियो पे पर्सनली रिएक्शन ये है कि अगर मुझे लाइफ में मौका मिला इंडिया को एक्सप्लोर करने का, तो मैं विजिटिंग एरियाज पे इतना नहीं जाऊंगी, फूड में जाएंगे हम। फूड पे ज्यादा मैं अपना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करूंगी, फूड पे। उससे इंडिया की डाइवर्सिटी भी आपको पता चलेगी, इंडिया का कल्चर भी आपको पता चलेगा, किस स्टेट में क्या चीज फेमस है आपको ये भी पता चलेगा, और आप फूड के थ्रू पूरी इंडिया को एक्सप्लोर करोगे। इंडिया इतना एरिया वाइज बड़ा है, आप अगर कहेगी इस स्टेट में कौन कौन सी घूमने की जगह है तो कोई कहेगा आगरा चले जाओ, कोई कहेगा कर्नाटका चले, लेकिन कोलकाता चलेगा नहीं। जब आप फूड के लाइन में जाके यार मैंने फूड ही फूड खाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके नजर के सामने आ जाएगा कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, फूड टैक्टिक्स क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है। दूसरी चीज ये देखिए, जस्ट उन्होंने फूड पे वर्क नहीं किया, उन्होंने ये भी बताया कि किस प्लेट में खाने से आप लोगों का जो बॉडी है वो भी कितनी बेस्ट रहेगी। अभी जिस थाली की उन्होंने बात की, उन्होंने क्या बोला कि इस थाली में खाने से आप लोगों को किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, कुछ बता रहे थे वो ब्रास के बर्तन थे, मेटल बड़ा अफेक्ट करता है। जैसे हमारे घर में ज्यादातर शीशे का बर्तन यूज होता है, पहले सिल्वर होता था तो वो क्विट कर दिया, ठीक है। अब साइंस ये कहती है कि सिल्वर के बर्तन के ऊपर जो है ये स्टील के बर्तन के ऊपर जम ज्यादा देर तक स्टक रहते हैं, लेकिन एज अगर हम कंपेयर करें शीशे के साथ, मिरर के जो बर्तन होते हैं वो ज्यादा जो है अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो अगर हम इंडिया वाली बात करें तो वो केले का पत्ता यूज करते हैं, जो कि परफेक्ट है, जो कि एक नेचुरल चीज है और जो कि बहुत से जो है डिजीजेस को कंट्रोल करती है। ब्रास के बर्तन है, बहुत महंगे हैं, पहले जमाने में लोग यूज किया करते थे, लेकिन वही महंगे बर्तन के खाने की कंपोजिशन सेम रहती है, खाना उतना ही हेल्दी रहता है, खाना जो है डिकम्पोज, खाना भी देते हैं अगले की सेहत का प्रॉपर ख्याल कर। अच्छा फिर वो भेल पूरी, वो कह रहे हैं कि जो मर्जी बना लो, भेल पूरी बना लो। अच्छा फिर उसके अलावा पानी पूरी सब्जी होती है, उसको आप डिफरेंट तरह से बना सकते हो, पाव भाजी। अच्छा मैं ना इस समय वीडियो देखी, उसमें ज्यादातर कुछ इंडियंस की भी जब आते हैं तो वो मोमोज बहुत खाते हैं, स्पाइसी बहुत लिखा होता है, मोमोज बहुत खाते हैं, और उसके साथ कह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट जो चटनियां है ना, मोमोज बेसिकली होता क्या है आप हमें ये बताइएगा, जरूर बताइएगा। अच्छा उसके अलावा वो जो छोले भटूरे हमारे यहाँ पूरी चना उसको बोलते हैं, एग रोल बता रहे हैं बहुत मशहूर है। अच्छा लखनऊ के कबाब, मतलब वो तो कमाल ही थे, और समोसे, मौसम ठंडा हो और चाय हो, कौन नहीं खाता उसको चटनी के साथ। अच्छा मुझे समोसे इतने पसंद नहीं है, समोसे मैं मतलब कुछ जगहों के स्पेशल बहुत अच्छे लगते हैं, और समोसों में भी डिफरेंट फीलिंग्स हो सकती हैं, आलू वाले भी हो सकते हैं, सब्जी वाले भी, पनीर वाले भी हो सकते हैं। तो आपको इन सब में से क्या पसंद है और हमें जरूर बताइएगा, हमारे तो मुंह में पानी आ गया। मैंने कुछ चीजें ऐसी जो मेरा बड़ा दिल कर रहा ट्राई करने का, जैसा पाव भाजी हो गई शुरू में जो आया था, वड़ा पाव। अच्छा फिर वड़ा पाव में जिस तरह से वो आलू डलता है ना, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज लगती है। सुनने में आया था इस्लामाबाद में पिछले दिनों एक भाई ने एक स्टॉल खोला है वड़ा पाव का, पता नहीं अभी है कि नहीं, कभी ट्राई करेंगे अपने व्लॉग चैनल पे, अगर किया तो जरूर उसका व्लॉग डालेंगे। एक चीज बताता हूँ आपको, अगर क्या लगता है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए, लेन देन करना चाहिए उनके साथ? कारोबार तो होना चाहिए, उसकी ये वजह है कि एक कारोबार अगर कोई बढ़ेगा तो उसमें आवाम का फायदा है ना,
जो छोटे तबके का बंदा है वो भी आगे आएगा, और वो कैसे आएगा, जब रास्ते बढ़ेंगे, जब रास्ते खुलेंगे, जब सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा होंगे, जाहिर है कि फिर कारोबार बढ़ेंगे, और जो काम करने वाले नहीं है उनको भी नॉलेज आएगा, वो फिर बढ़ेंगे और फिर कारोबार तो बढ़ेगा। आपको पता है कि जब हमारी ट्रेड उनके साथ होगी, जो चीज आप यहाँ पर आप बता रहे 500 के लेके आए, वहां पर ये 50 रुपए की बिक्री है, और वही चीज आते आते रास्ते में चलो 100 रुपए मजीद महंगी होगी, 150 की तो मिलेगी जो आप 500 रुपए के लेके आए, वो तो बिल्कुल ठीक है। मैंने बताया वहां पर 25 रुपए की जब चीजें हमारे पास सस्ती आएंगी तो सस्ती बिकेंगी और आवाम को सस्ती मिलेंगी।